कितने लोगों का दिल टूटे आहो। कभी किसी आर्टिस्ट का दिल टूटता है तो उसका मास्टरपीस तब निकलता है जब मैं 14 साल का था तो मेरा पहला स्केच, जब 16 साल का था तो एक स्कल्पचर, और जब मैं 23 साल का हुआ तो शिव और पार्वती की एक पेंटिंग 16,000 थंबप्रिंट्स के साथ बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो अगर तुम्हारा दिल टूटे तो खुद को तोड़ोगे रिकॉर्ड को? कितने लोगों ने प्यार के बारे में कभी पढ़ा है? आहो, कुछ नहीं है, एक केमिकल लोचा है आप सबके दिमाग में कॉल्ड डोस, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोरफिन। कभी चॉकलेट खाई है? आहो, स्मॉल क्वांटिटीज में प्यार। कभी एक्सरसाइज करी है? स्मॉल क्वांटिटीज में प्यार। कभी किसी गरीब की मदद करी है आपने? स्मॉल क्वांटिटीज में प्यार। आपका कोई भी आपका दोस्त आके कहे आपको कि वन साइडेड लव इज ब्यूटिफुल या एक तरफा प्यार सबसे अच्छा होता है, तीन उंगली उठा लो, तीन उंगली सब, उसे कहना रीड बिटवीन द लाइंस। जब एक आर्टिस्ट का अपना पैशन कैसे ढूंढे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने लिए वॉशिंग पाउडर या वो कपड़े ढूंढते हैं, आप वो सारे कपड़े ट्राई करते हैं जो आपको कपड़े पसंद आते हैं और जो फाइनली आपको हिट करता है। 5 languages ऑफ लव, गिफ्ट देना, टच करना, सेवा करना, आंखों में आंखें डालकर देखना, कॉम्प्लीमेंट करना। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक चीज की कमी होती है, तो जिस इंसान को तुम पटाना चाहते हो पता करो कि उस पांचों में से क्या कमी है। बेस्ट ब्रेकअप गिफ्ट, आप उसकी सारी पुरानी फोटोज लीजिए, कुछ चॉकलेट्स, दारू की बोतल, पुराने कपड़े, पॉजिटिव मोटिवेशन, एक कार्ड बनाइए, उस पर लिखिए गेट वेल सून और फिर लिखिए वी आर फ्रेंड्स, उस बेस्ट गानों की सीडी, एक टेडी बेयर, एक डिब्बे में तुमसे ना होगा डालिए और बाकी सारे गिफ्ट, और उन्हें सील कर दीजिए। अगर रणबीर कपूर को लड़की डंप करके जा सकती है, रणवीर सिंह को लड़की डंप करके जा सकती है, तो आप क्या चीज हो? तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है मूड खराब मत करो, जब इन लोगों के साथ ये हो सकता है तो हम क्या चीज है। अपने आप से शीशे में देखिए और पूछिए, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या? जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ निकालने की जरूरत है, उल्टी करने की, दिमाग को लूज मोशन देने की। आई कॉल दिस द मेंटल वॉमिट। या कुछ भी परेशान कर रहा है तो दिन में 500 वर्ड एक पेपर पे लिख कर दे।